गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं अभी जा रहा हूँ। अपना जो प्रोजेक्ट है ना, उसको बाइंडिंग करवाने, और एक दो पेज और मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी, और चलते हैं। और गाइज, मेरे को अभी भी पता नहीं मेरा प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है, क्योंकि सब जितने भी स्टूडेंट है सब ना एक बार करके अपने जो टीचर है जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो सब एक बार करके मैम को दिखाए हैं। और मैं उस दिन गया था दिखाने, लेकिन मैम नहीं थी। फिर मैं कॉल भी किया तो मैम उठाई नहीं, और फिर दोबारा मैं जा ही नहीं पाया। तो अब जैसा भी है, कल लास्ट डेट है, मैं जैसा भी है उसी को बुक बाइंडिंग करवा के दे दूंगा। जो अगर कम मार्क्स मिले तो क्या करें, आपको जैसा है वैसे ही देना पड़ेगा। देखते हैं, मेरे को बस इतना डर है कि रिजेक्ट ना कर दे यार। रिजेक्ट अगर हो गया तो फिर दिक्कत है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो गाइस, आज साइकिल में निकला हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी भी आना है, और आके पढ़ाई भी करना है, कल एग्जाम भी है। तो अभी फिलहाल मैं चल, और गाइस कल रात को या सुबह शायद बारिश हुआ है भयंकर, तो इसलिए पूरा मस्त अभी वेदर है। और भेज दिया क्या? ब्लैक एंड व्हाइट का कलर तेरा है, इसमें गैप नहीं है ना एग्जाम के बीच में? नहीं, इंटरनल में ना, नहीं 2 3 4 5। क्या कर रहा है तू? कंटेंट उठा रहा है मेरे ऊपर से? सोच के उठ के आया हूँ। कल दो दो एग्जाम है तेरा। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ बाइंडिंग करवाने, मतलब अभी दे दूंगा, शाम को जाके लेके आऊंगा फिर, क्योंकि ये टाइम लगता है ना उसमें बुक बाइंडिंग करवाना है। स्पाइरल बाइंडिंग करने से जल्दी मिल जाता, लेकिन बुक बाइंडिंग करवाना दे देते हैं जाके। शुभम तो निकल गया घर शायद। गाइज मैं जा रहा हूँ घर बाइंडिंग के लिए, मैं दे दिया हूँ बाइंडिंग करवाने के लिए, तो दे दिया हूँ गाइज। तो गाइज घर आया, और घर आते ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब क्या, अपना जो ये सब फालतू का पड़ा है इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। मैं सोच रहा था बाद में करूँगा, एग्जाम खत्म होगा तब, लेकिन अच्छा हुआ पोस्टपोन हो गया। गाइज मैं इधर आया हूँ चाय बनाने, क्योंकि गला पेन कर रहा है, गर्म गर्म कुछ पीने का मन कर रहा है मेरे को, सर्दी जुकाम हुआ है ना तो। और मम्मी मेरी उधर मटन बना रही है मस्त। मैं उधर अपना जो जगह है जहाँ पर मैं बैठता हूँ गाइस, वहाँ पे बात है ना, बहुत ऐसे हेडफोन वगैरह रख देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे खिचड़ी टाइप का बन जाता है ये। हर बार जितना बार साफ करो उतना बार कोई ना कोई कुछ आके रख देता है। जैसे मैं ही रख देता हूँ, जैसे हेडफोन वगैरह, फोन चार्जर वार्जर सब यहीं पर, छोटा सा जगह में पूरा एंगेज होके रह जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ वो जो बोर्ड है ना, बोर्ड को मैं इधर लगाने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे कील ठोक के वहाँ पे टांग दूंगा। और एक यहाँ पे एक बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को यहाँ लगाने का सोच रहा हूँ, जिससे कि अगर चार्जर वगैरह हो तो बेड में पड़ा रहेगा बस। तो देखते हैं, ये ऐसा करने का तो सोच रहा हूँ अभी, चाय देखते हैं उबल रहा है मेरा। मम्मी को पसंद नहीं है चिकन, मतलब बचपन से चिकन नहीं खाती है, तो एक ये हो गया आदत सा बन चुका है। तो और मटन खाती रहती है, तो इसलिए मटन मम्मी के लिए खास स्पेशल पापा लेके आए हैं। बहुत ओकेशनली बनता है गाइस हमारे घर में मटन, ऐसा नहीं कि हर रोज मटन चल रहा है चिकन चल रहा है, ऐसा नहीं, बहुत ओकेशनली होता है कभी कभार मूड होने से।
कैसा रहा तेरा दिन? So sleepy. अभी गाइस हम दोनों जा रहे हैं फील्ड, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे. घर में ऐसा लगता है ना जैसे कि थोड़ा देर ज्यादा रह जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं लगता कि देख सुबह से ऑक्सीजन ले रहे हैं घर का, हाँ, खत्म हो गया घर में. हाँ वही बोलने वाले. बारिश हो रही है, मेरे हाथ में पानी टपका, पता नहीं कहाँ से रात से पानी निकल रहा है. 40 के बाद ही देना मेरे को भाई. लाभ मिलाएगा भी चल. चल मैं तू रास्ता देगा मेरे को, मैं नहीं जानता. दिया दिया तेरे दिया दिया बंद है रे. अब अच्छा चल 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 चल. आज चपक के छाती में ये भी बंद है बा. किसी जगह बैठ के किया जाता है, गाड़ी में नहीं किया जाता है. अरे मेरे वजह से गाड़ी सीधा चल रहा है, पकड़ नहीं तो मैं हैंडल पकड़ लूंगा. रात पहुंचेगा तो तक. अबे अचानक से उसका सर घूम गया ना. मेडिटेशन मैन. तो गाइज हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते कहाँ आ गए देखो. तो गाइज हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे ही निकल के सोचा एक ईब नदी है गाइज, वहाँ पे जाने का सोच रहे थे. वहाँ पे मतलब बालू ही बालू जाएंगे, लेकिन ऐसे चलते चलते गाइज इधर आ गया और यहाँ पे कुछ मिला. ये मेरे को लगा पार्क है, लेकिन ये पार्क नहीं है, शायद कुछ अर्बन प्लांटेशन कुछ यहाँ पे होगा ऐसा कुछ. ये कर रहे हैं पेड़ उड़ लगाए हैं, कुछ देखभाल करते हैं कुछ होगा. मेरे को आइडिया नहीं है, वो उड़िया में लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो खैर गाइज अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करना है. अंदर तो जाएंगे नहीं, अंदर जाएंगे नहीं, क्या पता वहाँ पे हाथी वगैरह मिल जाए. जाएंगे नहीं अंदर, ऐसे ही घूमने आ गए इधर. क्या था उधर? ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है? तो गाइज यहाँ पे इतना फ्रेश हवा और इतना शांति लग रहा ना, ऐसा लग रहा है कान से शोर हट गया, जितना भी नॉइज वगैरह सब साफ हो गया. हम लोग टाउन में रहते हैं तो टाउन में ऐसा हर समय शोर शराबा ऐसे कान में गूंजता रहता है, और यहाँ पे एकदम से शांत हो गया सब कुछ. और हम लोग आगे जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं गोरिया भी यहीं पर है. इसका नाम गोरिया रखा है तो? नहीं वो है, वो ऐड नहीं देखा क्या गोरिया, वो प्लास्टिक खा जाएगी. नाला निकल के आ रहा है, मुझे लगा तालाब है, तालाब बोल रहा हूँ, नदी है. अबे यहाँ पर ऐसे जाते जाते खाली आंटी का घर होगा, तो आंटी सोच रही है मेरा घर रख दिया. अरे एक एक स्टोरी में नहीं दिखे थे हम लोग, एक स्टोरी होता था कोई इंसान लोग जब भटक जाते हैं तो ऐसे जंगल में पार होते हैं और उसको एक कुटिया दिखता है. मतलब कुटिया कुटिया नहीं भे कुटिया मतलब वो जैसे झोपड़ी टाइप का, और लाइट जलता रहता है. तो वो वहाँ पे जाता है ऐसे
रहने के लिए। अबे कितना सेटिस्फाइंग एरिया है तो सुन तो। हाँ। अब वहाँ पे रहने जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे क्या रहता है, कोई भेड़िया वाला लोमड़ी उसको खाना चाहता है। जंगल में नहीं देखा भूत ऊत रहता है? हाँ। नहीं देखा? ये बचपन इसका बचपन डिलीट कर चुका है ये, इसको ये सब स्टोरी नहीं पता। जैसे कि गैस देख रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ इंसान रहते हुए वो दिख रहे हैं। भाई कितना मस्त हवा आ रहा है भाई। अबे मेरे को यहाँ पर घर लेना है। चल चल आगे आगे चल। मैं सिनेमेटिक लेने का सोच रहा हूँ, तू ये सब हरकत करेगा। लगा तू उधर लेगा करके मेरे को आगे चल बोला। बस ये आ गया गाइस, अब मैं डिलीट नहीं करूंगा। अब मत बोलना डिलीट करो। अबे कितना वाहियात यार। देखो गाइस क्या मस्त जगह है ना, ऊपर से बारिश हुआ तो और भी अच्छा लगा। हॉलीवुड मूवी में तू रॉन्ग टर्न देखा है ना, पूरा पूरा पार्ट, पूरा पार्ट देखा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब इलाका में यही सब होता है? ये सब इलाका में लेके जाते हैं लोगों को और काटते हैं। हम तो अपने आप जा रहे हैं। अरे हम लोग डेयरिंग वाज इंसान है, खून पान तो गाय खून बोलता है ये ज्यादा ही ये में चला जा रहा है। क्या बोले, मेरे को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आया। अंकल अपना खेत मेरे को दे दो, यहाँ मैं झोपड़ी बना के रहूंगा, चलेगा? सोच जब यहाँ पर बारिश होगा या बहुत ठंड, मतलब बोझों का हवा चलेगा, कितना पेड़ लोगों का आवाज, कितना मतलब मस्त लगेगा, मजा आ जाता है। मेडिटेशन कर लूंगा मैं तो। अगर अपना गाड़ी चोरी होगी उस तरफ ना, तो अपन को पैदल जाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर ले। गाड़ी कौन चोरी करेगा, चाबी तेरे पास है, क्यों वहीं भी छोड़ गया है? चाबी तो फिलहाल अभी तो मेरे पास ही है। और हैंडल लॉक क्या है? हैंडल लॉक नहीं होता, तो गाड़ी में को न्यूट्रल में करके धक्का मार के लेके कोई जा सकता है। ये देखो यहीं पे होता है भाई। एक घर मेरे को भी ऐसा ही चाहिए भाई, एक तो घर। यहाँ पे तू दो दिन रहेगा फिर बोलेगा अरे यार। नहीं 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 नहीं, नहीं बोलूंगा। अबे ये मेरे का ये आज का इच्छा नहीं है, ये आज ये देख के इच्छा नहीं है। देखो ऐसी ही जगह में रहने का इच्छा था कब से, बचपन से। इसे गांव कहा जाता है ब्रो। गांव तो है ही नहीं। गांव है ये, एक तो घर है खाली, और कहा गांव, आगे गांव है। गांव में नहीं, अकेला एक जगह पर। ये टाउन नहीं कहा जाता इसको, गांव में क्या आ जाता है? टाउन नहीं है कि ये गांव नहीं है, ये गांव है ब्रो। अरे ठीक है गांव है, आउटर गांव है, आउटर है ना ये। हाँ ये अंदर जा रहे हैं। हाँ, गांव के ना गांव है ना सिटी है ये, लेकिन ये आउटर जो है ना, यहाँ पर घर बनाने जहाँ कोई ना हो, कोई भी ना हो, सिर्फ मैं, मेरा घर और एक डॉगी। सुंदरबन का नाम सुना है? सुंदरबन अबे वो पार्क है, पार्क अरे मतलब वो फॉरेस्ट है, वो रिजर्व है। तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है, पता नहीं तेरे को? मतलब रहते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं रहते गांव। वहाँ पर जो रहता है ना वो साला रात को आधा रात को आके खा के चल देगा मेरे को, एक पैर मिले क्या? फल है इसका, बीच पड़ा हुआ है साला। ऐसा देख रहे हैं साला, ऊपर से कोई तीर मारा। ये देख खजूर, खजूर है ये? ये देख, अच्छा ये खजूर खाया कभी खजूर ऐसा ये करके? ये बहुत लंबा हो गया। तो इब नदी जाने का कैंसिल? भाई इतना अच्छा जगह, इब नदी में क्या बालू देखेगा जाके? यही देख ले बालू। तो गाइस इब नदी जाना कैंसिल, अब यहाँ पर गाड़ी लाते हैं और देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह बना पाए तो। देख रहा पत्ता कैसा एकदम ग्रीनिश। हाँ पूरा एचडीआर मोड लग रहा है ना भाई, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया ये जगह। नानी को बोलूंगा क्या खरीदो ना एक थोड़ा, 5 लाख रुपए ट्रांसफर करी थे, जमीन खरीद रहा इधर। बड़े आदमी का बड़े बड़े चॉइस, हम लोग को तो एक जमीन खरीदने में साला मतलब ये बहुत ज्यादा रेट क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा दिमाग में आता है।
एक डिसमिल का। अरे मेरे को ए इधर आना है। वाह क्या क्यूट है बे। उसको घाव है उसको मत छूना। दौड़ क्या गया आया कि आई कहाँ से आया? इस घर से। कुछ बताना चाहता है तेरे को। क्या बताएं? पूछ। अंदर ला सकते। अब दे। शायद बहुत दिनों बाद कोई किसी इंसान को देख रहा होगा। क्या कर रहा है रे? चल। अपने साथ वहां ना चले जाए। नहीं 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 लाया नहीं। अब कौन सोच के आया कि यहाँ पे ये रहेगा? नहीं। अरे ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। चल निकलते हैं। बाइक में बैठेंगे तो हो जाएगा। नहीं जाएंगे रे। आ रहा हूँ। जा मेरे को तो छोड़ी नहीं ले। मैं निकलता हूँ गाइस। चला भागना पड़ रहा है क्योंकि पीछे ही नहीं छोड़ रहा है गाइस। अब नहीं एक तरफ ठीक है लेकिन क्या ऊपर देखूं? ये नहीं देख रहा। चल निकलते हैं यहाँ से। निकलते देखा बोला था ना मैं यहाँ आदमी रूम को मार खाते। इब नदी आने का प्लान था और वो सफल हो गया। एकदम सही आ गया। हम लोग सोचे वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे सोचा क्या बोलते हैं शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे लेकिन निकले थे वॉक पे गाइस। तो वॉक तो कर रहे हैं। हाँ बाइक से इतना दूर आके वॉक कर रहे। मतलब तू देख तेरे को जिम जाना है तू फ्लाइट पकड़ के फॉरेन सिटी तो नहीं जाके। जिम जाना है तो घर से निकल के जिम तो जाएगा ना। अब तू घोड़ा में जा जिम या बाइक में जा क्या फर्क पड़ता है?
नाम लिख रहा हूँ अपना, एस फॉर शुभम। अच्छा तेरा नाम शिवम है, शिवम है। देखो गाइस एस ई लिखा है, अब बताओ। ये तो लिखा ही नहीं। ये लिखा ही कहा, ये कहा लिखा? तो शिवम लिख रहा था, एस यू ऐसे घुमा के यू। अब मेरे को बताओ कोई ये यू कैसे लग रहा है आपको, देखो। ये भगवान। तो प्रॉब्लम क्या है? अबे यहाँ पे पेड़ कैसे निकला है? जैसे वहां पर निकला था। चल बात खत्म। बात ही खत्म। बालू में पेड़ देखा तो डाउट में। अब देख तू अकेले नहीं लिखा है, कोई और भी लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है गाइस? ये बालू में पहले हम लोग इधर आके स्टंट वगैरह करते थे गाइस, मस्त मजा आता था, पर अभी कर नहीं सकते क्योंकि वो जो जहाँ जो जगह पे हम लोग स्टंट करते थे वो जगह ही नहीं है अभी। यहाँ पे बड़ा बालू का ढेर था, बड़ा फैक्ट। मेरा बाल टिक कर रहा है क्योंकि बस वो बोल देता भयंकर फोटो यहाँ पे, जो फोटो शूट होगा ना वही सोचा एक बार थोड़ा करके देखते हैं। तो वही अभी सोच रहे कि वही करेंगे और फिर निकलेंगे गाइस, ठीक है। इस वीडियो को गाइस अब यही एंड करने का समय आ चुका है, तो अब अपन घर पे चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस। अबे कुछ बोल दे, तेरा व्लॉग है मेरा नहीं। बोल रहा तो मैं क्या बोलूं। तू दे ले मोबाइल ले।